बिहार के लोगों को पता है, देश के लोगों को पता है, जब हम लोग भाजपा को हराते हैं, भगाते हैं, बिहार तब तब जो है चार्जशीट छापा और इस तरह का जो है एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। कल देर रात बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पटना पहुंचे हैं। इस क्रम में उनके साथ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी मौजूद रहे। इस क्रम में आपको बताते चले कि बिहार के डिप्टी सीएम पटना पहुंचते ही बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। सीबीआई मामले पे पहली बार अपनी प्रतिक्रिया रखी है और साफ तौर पर कहा है कि ये कोई पहला चार्जशीट नहीं है। इससे पहले 2017 में भी इस मामले को लेकर चार्जशीट फाइल किया गया था, लेकिन इतने दिनों से ये सारी एजेंसियां क्या कर रही थी। वही उन्होंने कहा कि 2023 में इन सारी एजेंसियों को याद आया है और वही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब जब हम लोगों ने भाजपा को भगाया है तब तब भाजपा साजिश रचती हुई आई है। इस क्रम में उन्होंने यह भी कहा कि जो भाजपा है वो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, देश की जनता इससे अवगत है, सब कुछ देख रही है। वही उन्होंने कहा कि जब से हम लोगों ने विपक्षी एकता की बैठक की है तब से इन लोगों में बकुलाहट आ गया है, इस वजह से ये लोग छापेमारी करवाते हैं, कभी तो कभी चार्जशीट दाखिल करवाते हैं। वही उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार अच्छा काम कर रहा है। आगे और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पहले आपको हम वो सुनाते हैं। देखिए, ये कोई पूरे तरीके से अभी की बीजेपी की जो सेल टीम जो है वो काम करना शुरू हुआ, उस हिसाब से काम शुरू हुआ। पहला जो चार्जशीट हुआ 17 में, 17 से अब 23 हो गया। कहाँ नीचे करो यार, कहाँ नीचे कहाँ था सब सबको पता है, बिहार के लोगों को पता है, देश के लोगों को पता है, जब जब हम लोग भाजपा को हराते हैं, भगाते हैं, बिहार तब तब जो है चार्जशीट छापा और इस तरह का जो है एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है। अब न्यूज में मोबाइल लोग जर्नलिस्ट लोग भी जो है चार्जशीट हो रहा है, लेकिन एक बात देखिए, भाजपा के लिए महाराष्ट्र में कुछ लोग भ्रष्टाचारी थे, अब महाराष्ट्र सरकार का पार्ट बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, तो अब भ्रष्टाचारी नहीं, अब राजा हंसी हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। करो ना यार, इस केस में दम नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है, ये केवल न्यूज मेकिंग और टीआरपी के लिए, इमेज को बदनाम करने के लिए इन लोगों का साजिश रहता है। लेकिन जितना इन लोग वार करेंगे इस तरह के काम से, उतना बिहार की जनता उनको जवाब देने का काम किया था। लोगों नीचे कीजिए ना, थोड़ा भैया खींच रहा है, होशियार बनोगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सरकार और ये महागठबंधन बना है, न्यूज देखना है, मेरा कैमरा देखो मोबाइल, वही तो सही कर रहे हैं, किसको सब तो बोल रहे हैं। इसलिए ये महागठबंधन जो है लोगों के देश हित के लिए बना है, और जब मेरा देख रहा हूँ काफी दूसरा का देखो ना, पूरा मोबाइल में आ रहा है। मनीष जी थोड़ा सा पीछे करिए ना भाई, पूरे देश पर पक्ष के लोगों को एक न्यूज में लोगों नीचे कीजिए ना, और एक नीचे करना। पहली जो मीटिंग हुई पटना में हुई, तो पटना तो क्रांतिकारी धरती रही है, तो इससे भाजपा के लोगों में सबसे ज्यादा बेचैनी और डर, देखिए भाजपा के लोग तो लालू जी से ना डरते हैं सबसे ज्यादा, और अभी बिहार के
परिणाम लोगों नीचे करना ही पड़ेगा आपको, घबराहट में है आपका उधर है आपको इधर, इसलिए तो हम कंधा पर हाथ रख लीजिए जरा एक गलत के प्रवक्ता की तरह उनकी आईटी खड़े हो से खड़े लिए भाई एक प्रोपेगेंडा फैला रही है और करने कर लिए बताओ इन्हें कर रहे थे इसका कैमरा होने जा रहा है ये प्रोपेगेंडा है। हम भी अच्छे से जान रहे हैं, नीतीश जी भी अच्छे से जान रहे हैं, ये बीजेपी का केवल झूठ बोलने का काम है। बीजेपी का मतलब ही है झूठा भाजपा डर गई है क्या? कुछ एक दो चार पत्रकार जो हैं हम भी जानते हैं, वो भी बिहार के माइक नीचे करना भाई है, हिलाओ मत ना, तब से मीडिया वाले लोग चाह रहे कि पागल को लट टूट जाए, तो ये होने वाला नहीं है। नीतीश जी के नेतृत्व में महागठबंधन मजबूती के साथ चल रहा है और नीतीश जी, लालू जी, लोहिया और कर्पूरी जी के शिष्य रहे हैं। ये बीजेपी के लोगों से डरने वाले नहीं है। बीच में तो लोगों नीचे बीजेपी का जो होने वाला है, अभी तो हम लोग शुरू ही नहीं किया ऑपरेशन, अभी तो हम ही लोग एकजुट हो रहे हैं। अब एकजुट होकर के जब इन लोगों का संगठन किया जाएगा तो बीजेपी के लोग कहाँ कहाँ फेंकाएंगे पता नहीं। शिक्षा विभाग में शिक्षा निकालने वाली है 13 तारीख को, क्या शिक्षा विभाग में 13 तारीख को भाजपा निकालने वाली है? मतलब है पहली तो निकाले पहली तो हम लोग। सुन रहे थे आप बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव को, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस केस में कोई दम नहीं है, इससे पहले भी हो चुका है लेकिन अब हम लोग सब मिलकर भाजपा का सर्जरी करेंगे, ये कहते हुए नजर आए बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव। वहीं उन्होंने महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए कहा कि जो नेता भाजपा में शामिल हुए हैं वो अब दूध के धुले हुए हो गए होंगे और अब वो भ्रष्टाचारी नहीं होंगे, तंज कसते हुए नजर आए हैं बीजेपी पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार अच्छा काम कर रहा है, हम सब लोग एकजुट हुए हैं, देश की सेवा करने के लिए हम लोग सब एकजुट हुए हैं। आगे और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, सुन रहे थे आप। तो फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही, तमाम छोटी बड़ी जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।